2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। एकजुटता का संदेश दे दिया है इन विपक्षी दलों ने। उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि केंद्र से सत्ता से मोदी सरकार को हटाने के लिए अब वह एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। 23 जून के दिन बिहार के पटना में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में ऐलान किया गया इन विपक्षी दलों की तरफ से। ऐसे में देखा गया कि यहां पर जो महाबैठक हुई, इस महाबैठक में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आमंत्रित तक नहीं किया गया। अब देखा जाए तो मायावती ने अहम दावा कर दिया है। क्या है ये दावा, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन वह किसी भी दल के साथ आने वाले समय में जुड़ना नहीं चाहेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती के जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती ने संकेत दे दिए हैं कि वह आने वाले वक्त में कांग्रेस से जुड़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलने से, कड़े तेवर दिखाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर मायावती को लेकर सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मायावती ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि बसपा अन्य विपक्षी दलों की चाल पर नजर रख रही है और चुनाव के करीब किसी भी गठबंधन पर अंतिम फैसला ले सकती है। वहीं अपनी पटना बैठक के दौरान कांग्रेस के साथ 15 विपक्षी दलों ने 2024 के लिए बीजेपी के खिलाफ कार्य योजना बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। बसपा सूत्रों ने कहा है कि उसके नेताओं को अपने भाषणों में अब कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाने का निर्देश दिया है। पटना बैठक से कुछ दिन पहले यूपी नेताओं के साथ बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में मायावती ने भाजपा और सपा पर हमला बोल दिया। बसपा के एक नेता का कहना है कि नेताओं को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया, वे कांग्रेस पर कड़े शब्दों में हमला ना करें। ऐसा लगता है कि पार्टी ने भविष्य के लिए गठबंधन का विकल्प खोल दिया है। अब देखा जाए तो मायावती यहां पर क्या कुछ अहम फैसला लेंगी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की कोशिश ये है कि ओबीसी और पसमांदा मुस्लिमों के उन मतदाताओं को वापस लुभाने की होगी और 10 सालों में सत्तारूढ़ भाजपा के ज्यादा करीब आ गए हैं। ऐसे में अब देखते हैं कि मायावती आखिरकार किस तरीके से यहां पर कुछ अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।